गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से इरिटेट होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, गुस्सा थोड़ा ही कर रहे हैं हम, तो सिर्फ इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने हमको इरिटेट कर दिया। पर क्या ये इरिटेशन जो होता है सिर्फ हमारी बॉडी में होता है, या जहां जहां हम चलते हैं, जहां जहां जिन चीजों को छूते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जिनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, कहीं अनजाने में अपना इरिटेशन को उनको हम दे तो नहीं रहे हैं? ऐसे ही एक टॉरकॉम ने बुक लिखा है इरिटेशन द डिस्ट्रक्टिव फायर, ऐसी फायर जो आपको, आपके फैमिली को, आपकी हेल्थ को, सबको नुकसान कर सकती है सिर्फ एक छोटे से इरिटेशन के द्वारा ही। बहुत सुंदर बुक है, मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद पढ़ें। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताऊंगी ताकि आप लोग समझ पाए और मैं भी समझ पाऊं कि हम जो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने की हमारी एक नेचर बन गया, एक आदत बन गई है, उनसे हम मुक्त हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसका स्वाध्याय करेंगे और 45 मिनट हम उसके पहले मेडिटेशन करेंगे। तो अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार कर ले। जिन्होंने चश्मे पहने हो चश्मे उतार ली, कमरे की रोशनी मध्यम कर लें। सुखासन में बैठ जाएं ताकि शरीर पर कोई भी तनाव ना हो। कंधे झुके हों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस करके आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें और अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। न कोई सोच, न कोई केवल
ज्ञान। Thank you.
बस 10 सेकेंड। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। हथेलियों को खोलते हुए आंखों को आहिस्ता आहिस्ता एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बार यूट्यूब में बोला जाता है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, तो मुझे कोई चैट में लिख के बताएगा। यस हर्षमिता जी, ब्यूटीफुल म्यूजिक थी, बिल्कुल चाइनीज लोगों की है वो, क्लियर है। यस थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का स्वाध्याय करेंगे, इरिटेशन द डिस्ट्रक्टिव फायर। ऐसी फायर जो हमको और हमारे परिवार को विनाशकारी की तरफ लेके जाती है। हम लोग इतने यूज हो गए हैं इस वर्ड से इरिटेशन के कि हम बात बात में कहते हैं उसने मुझे इरिटेट कर दिया, इरिटेशन हो गया। ऐसा लगता है जैसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इरिटेशन होना, है ना, इरिटेट होना। टॉरकॉन ने बहुत ही छोटी बुक, देखिए ओनली 50 पेजेस हैं इसमें, 60 पेजेस की ये बुक है, इतना ज्यादा इसका ज्ञान दिया है। ये एंगर नहीं है, एंगर हम जब गुस्सा करते हैं वो वायलेंट रूप है हमारे इरिटेशन का। इरिटेशन खींच, चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी खींच उठती है ना, समझ गया ना, वो वाली खींच है ना, तो वो इरिटेशन के ऊपर इन्होंने छोटी सी बुक लिखी है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है। हम हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर टॉरकॉम इस समय होते तो उसमें एक और जोड़ देते थे, व्हाट्सएप और फेसबुक से भी हम बहुत इरिटेशन फैलाते हैं, बहुत बहुत। एक गंदा वाला मैसेज भेज दीजिए जिसको जिसके लिए भेजे हैं उसको, तुरंत इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। उस समय व्हाट्सएप नहीं था ना सोशल मीडिया, तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, पर मैं ऐड कर दूंगी आखिरी में, ठीक है। क्या टॉरकॉम ने बोला कि कुछ एक ऐड कर सकते हो इफ यू नीड। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा छोटी छोटी बातों पे खींच उठते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। टॉरकॉम ने कहा है कि बीमारियों के कई कारण होते हैं, एक नहीं, एक कारण जिस पर कभी भी कोई ने भी जोर नहीं दिया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, अब कई लोगों को बताया भी नहीं गया है। हमारे जो बीमारी के रीजंस हैं, सोर्सेस हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। उसमें से कई एक लॉजिकल, मतलब इरिटेशन, जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि इरिटेशन बीमारी, इरिटेशन का जो कारण है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसमें बहुत सारे कारण होते कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तो अच्छे से पेश आ रहा था, मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छा किया। बस हम बहुत सारे लॉजिकल कारण देते हैं इस इरिटेशन के लिए, पर ये हमारे बीमारियों का स्रोत है, बहुत सारी बीमारियों का। इनके जो मौसर मौर्या थे वो MM करके यूज करते हैं टॉरकॉम, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब कोई इरिटेट होता है तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है और जो हमारी एथरिक बॉडी है वो बर्न होती है, जलती है। हम जैसे कोई हमारे ऊपर कोई वर्बल अटैक किया, कुछ अपमानजनक शब्द बोले, तो हमारी एनर्जी थोड़ी सी कम हुई और हमारे को हर्ट हुआ, तो हमारी एथरिक और एस्ट्रल बॉडी दोनों जलती है, उसके कारण एक पॉइजन बनता है। उस पॉइजन का नाम दिया मास्टर मौर्या ने एम्पेरल। पूरे जगह उन्होंने एम्पेरल के बारे में जिक्र किया है। तो एम्पेरल एक सब्सटेंस है जो हमारे इरिटेशन के द्वारा हमारी इथरिक और एस्ट्रल बॉडी से हमारे सिस्टम में आता है और ये पूरे तरीके से हमारे बॉडी में फैलता है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ी मंडल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है।
ये पॉइजन एम्पेरल उसमें ब्लॉकेजेस बनाता है, उसी के कारण ही बहुत सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों होते रहती हैं, और हम धीरे धीरे हमारा नेचर हो जाता है चिड़चिड़े होने का, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है हमारे में एम्पेरल पॉइजन कि हमारा नेचर ही इरिटेशन वाला हो जाता है। और जहां जहां पर जिस जिस जगह पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है, वहां पर जो ग्लैंड्स होते हैं, वहां पर जो ऑर्गन्स होते हैं, वो रिटार्डेड होते जाते हैं और जर्म्स और माइक्रोब्स के घर बन जाते हैं, या तो बीमारियां होंगी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शियस जो रहती हैं वो होंगी, या ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। फिर उन्होंने टारकम ने कहा है कि ये जो इरिटेशन है इसके कारण कभी कभी सेल्स इतनी ओवर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि सेल्स को समझ में नहीं आता है कि क्या काम किया जाए, वो फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है ना, तो इतना एक्सेसिवली काम करना शुरू कर देती है, इतना पैनिक हो जाती है कि ट्यूमर और कैंसर तक के बनता है। और कभी कभी ट्यूमर और कैंसर भी बनता है, पर अक्सर क्या होता है कि जब ये इम्पेरल हमारे फिजिकल बॉडी में आता है, हमारी अतिरिक्त बॉडी से, और उससे जब फिजिकल बॉडी में आता है तो वो हमारे सोलर प्लेक्सस में मणिपुर चक्र में जाके इकट्ठा हो जाता है, और इसके कारण उसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ट्रबल होते हैं, और धीरे धीरे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा पूरे हमारे सिस्टम को कंटेमिनेटेड कर देता है, दूषित कर देता है, और हमारी ऑरा भी खराब होते जाती है, विकृत होती चली जाती है। उन्होंने कहा कि इन इरिटेशन और इम्पेरल उन पर अटैक नहीं करता जो दिल और दिमाग से सोचते हैं, जो बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से रहते हैं, क्योंकि वहां पर ये इम्पेरल जो पॉइजन उतर के आता भी है किसी कारण से, जैसे थोड़ा देर के लिए इरिटेशन से इम्पेरल आया तो वो जो प्रेम रहेगा उसके अंदर उससे वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये इम्पेरल आपके नोज आईज और ईयर्स में भी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है। अब इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों हम सभी लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। मैंने भी अपने 2-3 बहुत सॉलिड वाले निकाले हैं रीजन, उस पर काम करना मेरा बाकी है। मैं ये बुक इसलिए भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी इसको बहुत अच्छे से समझना था, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा काम के दबाव के कारण थक जाते हैं हम लोग भी, और बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं। तो आप लोग के लिए नहीं, मैं अपने लिए ये सुना रही हूँ, है ना। तो कारण कौन से हैं, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें जब बेचैनी होती है, एजिटेशन ऑफ एस्ट्रल बॉडीज, जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिमिनल मूवीज या सीरियल देख रहे हैं, या कोई बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें क्राइम के बारे में लिखा है, या कोई डिसास्टर, कोई आपत्ति वगैरह के बारे में लिखा है, जिससे आपको पढ़कर डर लग रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है या चिंता हो रही है, आप सोच रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। पर टॉर्कम कहते हैं नहीं, ये आपके अंदर जाकर या आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि एस्ट्रल बॉडी में जाके आपके इरिटेशन को पैदा करता है। तो ऐसी कोई बुक्स और मूवीज सीरियल नहीं देखना, क्राइम पेट्रोल ये सब चीजें मत देखना, कोमालिका वगैरह क्या क्या देखते हैं ना आप लोग, वो मत देखिएगा। और कभी कभी जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जब वर्बली हमारे ऊपर अटैक करते हैं, कोई अपशब्द बोलते हैं और हमको सपोर्ट नहीं देते हैं जिसके लिए हम उनके ऊपर निर्भर थे, तब भी इरिटेशन पैदा होता है। तो ये क्या है, एस्ट्रल बॉडी में जब व्याकुलता आ जाती है तब हम इरिटेट होने शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस ऑफ टेम्पर, गुस्सा जब हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मन है कि सामने वाला आपके मुताबिक काम करे और आपके अनुसार ही वो सब बोले और करे, पर वो नहीं करता है, तो आप अपने टेम्पर को लूज कर देते हैं। और उस समय जब नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में आप इम्पेरल बनाते हैं। जो लोग हेट्रेड, डिसलाइक या कंटिन्यूसली कोई पर्सन रिजेक्ट करता है, एक तो हेट्रेड है, एक डिसलाइक हुआ, एक यदि एक आदमी से लगातार आपको रिजेक्शन मिलते जा रहा हो, या रिजेक्शन आपको किसी ग्रुप से मिल रहा हो, तो भी आप इरिटेट हो जाते हैं।
क्योंकि ये जो है आपकी एस्ट्रल बॉडी को टारगेट करता है। उन्होंने कहा है कि जो आपकी ये जो हमेशा रहेंगे आप नाराजगी में और इरिटेशन में, वो आपकी जो थ्री लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी है, मतलब फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये तीनों में आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। कई लोग पक्षपाती होते हैं, उनके में भी इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अब आप लोग समझते जाइएगा। फिर कई लोगों को लगता है कि हमेशा लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तब भी उनके में इम्पैरल बहुत होता है, क्योंकि वो निगेटिव थिंकिंग में है कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, बट मेरे को धोखा दे रहे हैं। और ऐसे लोग बदला भी लेना चाहते हैं, और उनसे बदला लेना चाहते हैं जिनके बारे में वो सोचते हैं कि इसने मेरा फायदा उठाया, तो बस इससे किस तरीके से मैं बदला लूं, किस तरीके से। तो वो इरिटेशन और इम्पैरल को बहुत तेज करता है। जो लोग हमेशा अपने अनुसार चीजें होने देना चाहते हैं, दूसरी तरीके से उनको काम पसंद है, जैसा वो चाहते हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना परफेक्ट ऑर्गेनाइजर, बिल्कुल वैसा ही चाहिए, उसके थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए काम, वो सहन नहीं कर पाते, वो भी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने थॉट फॉर्म्स, अपनी हैबिट्स और अपने वे ऑफ एक्टिविटीज, जो उनके काम करने का तरीका, उससे अटैच होते हैं, तो उनको बिल्कुल जैसा उनको काम चाहिए वैसा ही नहीं मिलता है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। कई लोगों को बदले लेने का विचार या नष्ट करने का जो प्लान बनाते हैं अपने मन में, सिर्फ थॉट्स के रूप में ही सोचते रहते हैं, वो भी इम्पैरल को बहुत क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कई लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, जो कंप्लेनिंग मोड में रहता है, ये इमोशनल और मेंटल फ्रिक्शन है, उसमें घर्षण है इमोशनल और मेंटल बॉडी में। ऐसे लोग भी अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं, उनके में आकर्षण खत्म हो जाता है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जिन लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, सिर्फ मेरे लिए ही काम हो, मैं ही पर्याप्त हूँ, बस मेरे लिए लोग काम करें, मैं किसी के लिए नहीं करूं, और आत्मसंतुष्टि, जो ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, उनके में भी इम्पैरल बहुत होता है। हम लोग कभी कभी फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स लोगों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत ऐसे गपशप कर लेते हैं, गपशप करते करते क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, हाँ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम कितनी इजीली क्रिटिसिज्म करते हैं। तो टॉर्कम कहते हैं कि आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपकी साइकी एनर्जी खत्म हो गई, जैसे जैसे आप क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं वो डिप्लीट होते जा रहेगी, और आपकी एस्ट्रल बॉडी निगेटिवली पोलराइजेशन से चार्ज होती जाती है। आप सीधा साधा बैठे हुए थे, खुश थे, मिजाज अच्छे से बैठे थे, चार फ्रेंड्स आए, चार लोगों के साथ बैठ के बुराई कर ली आपने, वो जब चले गए तो आपकी एस्ट्रल बॉडी निगेटिव चार्ज हो गई और आपकी एनर्जी भी डिप्लीट कर दी। ये इरिटेशन का कारण होता है, जैसे एनर्जी डिप्लीट होगी फिर आप इरिटेट जल्दी होंगे, वल्नरेबल हो जाते हो ना, कमजोर हो जाते हो उस समय। जो लोग ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते हैं, उन लोगों के साथ रहने से भी आपकी इम्पैरल बढ़ सकता है, और जो ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं ईश्वर को, इस अस्तित्व को, उनके में तो इरिटेशन जल्दी जल्दी आएगा ही। और टॉर्कम कहते हैं कि हमारे साधु सेजेस लोग कहते हैं कि अनग्रेटफुल लोगों से दूर रहो, जो कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं ना, विक्टिम मोड में, उनसे दूर रहो, क्योंकि उनका पॉइजन आपकी ऑरा को खराब कर देगा। डिमांडिंग, फोर्सिंग और इनटॉलरेंट बिहेवियर, मैंने हिंदी में हर एक के टाइटल्स नहीं बनाए, क्योंकि मैंने कल ही ये बुक पढ़ के फटाफट नोट्स बनाए ना, तो जल्दी जल्दी में कर रही हूँ मैं ट्रांसलेट, है ना। कई लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं ना, हस्बैंड लोग, कई लोग बहुत फोर्स करते हैं, हमारे अनुसार ही रहो, हमारे अनुसार ही चलो, ऐसे टाइम में आओ, ऐसे टाइम में जाओ, या इन टॉलरेट नहीं करते हैं बिहेवियर को, वो भी इम्पैरल को प्रोड्यूस करते हैं बहुत। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कई लोगों को लगता है कि दूसरे लोग उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, ज्यादा महान हैं, खुश हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो उनकी आलोचना करते हैं, उनका प्रतिरोध करेंगे, जिनसे उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा उसकी उसको प्रतिरोध और आलोचना करेंगे और उनसे दूर भागना चाहेंगे, ताकि वो अपनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को रिकग्नाइज न होने दे। तो जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में होगा वो आपकी हमेशा
बुराई को ढूंढता रहेगा। फिर और एक कारण है इम्पेशेंस एंड हरी। जिन लोग बहुत धैर्य बिल्कुल नहीं रहता, अधैर्य अधीर बोलते ना, अधैर्य जिनके में रहता है बहुत, और बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, उनकी एथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी में बहुत प्रेशर पड़ता है, उसके कारण ऑरा डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और इस समय भी इम्पेरल बहुत ज्यादा पड़ता है। इम्पेरल मतलब एक पॉइजन जो हमारी दूसरी बॉडी से हमारे फिजिकल बॉडी में आता है। जैसे एक एक सब्सटेंस है परंतु वो दिखता नहीं है, है ना। हठ योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चैंटिंग मंत्रा, ताई ची, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्रग्स, ये सब चीजें हमारी एस्ट्रल बॉडी का सघनीकरण कर देते हैं, मतलब इंटेंसिफिकेशन कर देते हैं। इसके कारण हमारे में इम्पेरल पैदा होता है, हमारे में लाइट नहीं आ पाती है, विजडम नहीं आ पाता है। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि जो बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं ना, डिस्को म्यूजिक, जो बहुत आजकल के जमाने के लोग हैं, वो भी बहुत इम्पेरल क्रिएट करता है। और वो कहते हैं, बहुत आखिरी में लिखा है उन्होंने, कि ऐसी म्यूजिक आपको ड्रग्स और अल्कोहल लेने पे भी मजबूर करती है, क्योंकि वो इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट हो जाएगा तो उनको लगेगा मैं काम होने के लिए मैं क्या लूं, तो अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा लेंगे, मारिजुआना का सहारा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी म्यूजिक से आप दूर रहिए जो बहुत लाउड और अच्छी नहीं है। एक और कारण बताया है नॉइस। जिन लोगों के घर के आसपास बहुत हल्ला गुल्ला होता है, उनके में इरिटेशन की मात्रा ज्यादा होगी। टॉरकॉम कहते हैं कि जहाँ पे एरोप्लेन्स या मैकेनिकल नॉइज होती है, या बहुत रेडियो वेव्स है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टावर लग जाते हैं ना आजकल मोबाइल के, जो रेडियो वेव्स रेडियो एक्टिव रहती हैं वो, तो उन्होंने कहा कि नॉइज का मतलब मैं तुम लोग को ये नहीं बता रहा हूँ कि जो हमारे कान सुनते हैं वो नॉइज, कई नॉइज ऐसे होते हैं जो ऑडिबल नहीं है, जैसे रेडियो वेव्स का या जो रहता है ना रेडिएशन वगैरह, वो सब भी आपको आपके कानों को, आपको लगेगा सिर्फ आपके कान सुन रहे हैं ये नॉइज को, पर बोले नहीं, कान के द्वारा आपकी सटल बॉडीज में भी वो जाते हैं और आपके में बीमारी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पेरल बनाते हैं। वो कहते हैं कि टीचिंग्स हमारी हमारी शिक्षाएं कहती हैं कि जो लोग ग्रुप्स को लीड करते हैं, या स्टेट को, राज्य को, राजनीति वगैरह में, या नेशन को लीड करते हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको मिनिमम नॉइज वाले एरिया में रहना चाहिए। और हमारे एंशियंट प्रॉफिट्स तो कहते थे कि गुफाओं में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स के पास रहना चाहिए, पर कहाँ पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पे नॉइज कम हो, चलिए मेरे घर के आसपास कम नॉइज है। इरिटेशन हमारे शरीर में डिस्टॉर्टेड फोर्सेस, मतलब अगर हम बहुत इरिटेट होते रहेंगे तो हमारे में एक ऐसी विकृत बल हमारे में पैदा कर देता है, स्मेल पैदा कर देता है, ओडोर और पसीना, कि वो वेव्स के रूप में निकलते हैं। हर एक कोई अपने शरीर से उत्सर्जन करता है, इमिनेट करता है, कोई ना कोई जो उत्सर्जन करते हैं ना उसको इमिनेशन बोलते हैं। वो जो इरिटेशन वाला बंदा है उसके में वो ओडोर वगैरह सब निकल रही है, स्मेल निकल रही है, और वेव्स के रूप में, पसीने के रूप में वो सब निकल रही है। वो बोल रहा है, वो कहते हैं कि वो सब नहीं पड़ोस जाने वाली है बहुत जल्दी, पर मैंने फुली एक्सेप्ट कर लिया है कविता, जैसी भी है प्यारी है। तो वो हमारे चारों तरफ एक स्फीयर बना देता है जो हमारे लाइट और विजडम को आने से रोकते हैं। और जो लोग लगातार इरिटेट होते हैं उनको उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी जगह में रहते हैं वो उस जगह को दूषित कर देते हैं। सिर्फ अपनी जहां पे रहते हैं उसी को ही नहीं करते हैं, टॉरकॉम कहता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में इम्पेरल फैला हुआ है, पूरा ग्लोबल ऑरा हमारा इम्पेरल से फैला हुआ है। इम्पेरल मतलब पॉइजन ऑफ इरिटेशन, है ना, याद करके रखना। तो वो कहते हैं कि जो लोग बहुत इरिटेट होते हैं उनके साथ रहने, सोने, खाना खाने, बात करने, इन सब से आप भी थके हुए हो जाओगे और कंफ्यूज स्टेट में पहुंच जाओगे, क्योंकि इम्पेरल आपके एथरिक बॉडी और आपके ऑरा में एंटर कर लेता है। वो इतना एनर्जी इज कंटेजियस ना, बता चुकी हूँ, तो वो
कंटेजियस है, आप ले लोगे फिर आप भी वैसे हो जाओगे। और जो लोग इरिटेट होते हैं उनकी वाइटलिटी बहुत कम हो जाती है, उनको कई बार अक्सर सर्दी जुकाम भी होते रहता है। इम्पेरिल बुरी नजर जिसको कहते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग ना बहुत वो हो जाते हो, अंधविश्वासी बन जाते हो। एविल आई के द्वारा भी ट्रांसमिट होती है, अगर जैसे उन्होंने फ्रूट्स या पानी वगैरह दे दिया तो उसके द्वारा भी आपके पास पहुंच सकती है। तो एविल आई वाले फ्रूट्स बोलते हैं टेस्टलेस होते हैं, और ऐसे जो बहुत इरिटेट होते हैं उनका अगर आपने झूठा पानी पी लिया तो भी आप उसके इम्पेरिल को लेंगे। टच के द्वारा भी इम्पेरिल फैलता है, या कोई भी चीज, वो जो भी चीज छुएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट छुएगा, वो आप यूज करेंगे तो उसका इम्पेरिल आपके में आएगा। टॉर्कम कहते हैं अगर आप कुक से खाना बना रहे हैं तो अपने रसोई को हमेशा ऐसा रखिए जो जॉयफुल हो, कंटेंट हो और खुश रहता हो, संतोषी हो, है ना, कंटेंट रहे, जॉयफुल रहे, ऐसे लोगों से ही खाना बनाना चाहिए, नहीं तो खुद बनाइए आप। और इम्पेरिल कैसे फैलता है, मैंने जैसे आपको बताया एवेल आई के द्वारा फ्रूट्स, वाटर, सबसे ऑब्जेक्ट से, सेक्स के द्वारा, अगर मान लो पार्टनर इरिटेटेड है तो उस समय बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो नहीं तो ट्रांसमिट कर देगा। या माउथ किस जब करते हैं तब हैंडशेक के द्वारा, जो इरिटेट होता है उनके शूज, सॉक्स, टी शर्ट, टॉवल्स, जो भी चीज वो यूज कर रहा है, पेंसिल, पेन, बुक्स, कुछ भी चीज आपको यूज नहीं करना है जो इरिटेटेड रहता है। तो हम कहते हैं कि आप सोचिए कि जब आप लाइब्रेरी में जाके कोई बुक उठाते हैं तो वो बुक में कितनी इम्पेरिल होगी। डरा नहीं रही हूँ कविता, है ना, बता रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ। कोविड का अलग है, इसमें अलग है, इसमें साइलेंस ये किलर है। कोविड दिखाता है अपना किलिंग पावर, बाकी ये साइलेंट किलर है जो कई सालों के बाद इफेक्ट आता है। उन्होंने कहा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और मुझे भी मालूम नहीं थी, ये पहली बार ये बुक को पढ़ के मुझे मालूम चली कि वाटर कभी भी ट्रांसमिट नहीं करता एम्पेरिल को, जबकि वो एब्जॉर्ब करता है उसको। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, क्रिमिनल है, किसी नदी में जाके नहा लिया तो वो पानी नहीं खराब होगा, पानी दूषित नहीं होगा, पानी वैसा का वैसा रहेगा, पानी कंटेन एब्जॉर्ब करेगा पर उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा दूसरे में। पर पानी की एक खूबी सबसे अच्छी ये है कि वो ब्लिस को ट्रांसमिट करता है। अगर कोई बहुत ही पवित्र आदमी, कोई पवित्र सेज वगैरह साधु नहाते हैं नदी में तो उस वाटर करेंट्स में उसकी ब्लिस, उसकी ब्लेसिंग्स दूसरे को भी जो उसके बाद नहाएगा उसको पहुंचाएगी। पर इम्पेरिल नहीं फैलाती, यदि उसने झूठा पानी दिया आपको इम्पेरिल वाले ने तो झूठा पानी नहीं पीना है, है ना, और उसके ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि घर पे आप देखो कि कौन गुस्से में, आज ये गुस्से में, आज इसकी जो मैं सॉक्स नहीं धोने वाली वो खुद धोए अपने सॉक्स, है ना, यहाँ अपनी टेबल खुद साफ करो भाई, अब आप इम्पेरिल छोड़ रहे हो। जजमेंट नहीं करना है, सिर्फ अवेयर रहना है। आजकल बहुतों से मिलने पे टॉर्कम कहते हैं पता ही नहीं चलता है कि लोग इम्पेरिल रखे हैं कि नहीं रखे, उनके बॉडी में है कि नहीं, क्योंकि प्रिटी फेसेस हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे औहदे पे हैं, अच्छी मान प्रतिष्ठा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास इम्पेरिल नहीं हो। ईस्टर्न में लोग वो घर नहीं खरीदते थे जहां पे टेंशन, फाइट्स, डिस्प्यूट या इरिटेशन बहुत टाइम तक के रहा हो, ऐसे घर नहीं खरीदते थे। पुराने मकान मालिक के पास जाके देखते थे कि वो मकान मालिक अच्छा है कि नहीं, क्रिएटिव है कि नहीं, हारमोनियस है कि नहीं, और सेवा भाव है कि नहीं, तो ऐसे लोगों के घर जल्दी से खरीद लेते थे। और पर वेस्टर्न में कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक भौतिक जरूरत पूरी होने पे तुरंत घर खरीद लेते हैं, पता भी नहीं लगाते हैं, और उसके कारण भी उनको काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि द इमिनेशन ऑफ द होली मैन विल बी द ट्रांसमिटर ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर उस घर में कोई अच्छा व्यक्ति, होली मैन, पवित्र आत्मा व्यक्ति रहा है तो वो घर तो बहुत ब्लेस्ड हो जाएगा, उसकी जो उत्सर्जन हुआ है उसके शरीर का, वो पूरी दीवारें, हर जगह पे उसकी छाप रहेगी। पर अगर कोई बुरा है तो वैसे ही बुरा रहेगा, तो ऐसे घर में आपको नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि हम देख सकते हैं कि हेल्थ और साइको प्रॉब्लम्स कई लोगों को आते हैं जब वो घर बदलते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, या फिर कोई पुराना फर्नीचर, पुराना कारपेट या पुराना पेंटिंग खरीद कर आते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजें पुराने मालिक की एम्पायरल को कैरी करती हैं। अगर ये टॉर्कम कहते हैं, अगर ये मैं बोलूंगा कि एम्पायरल कैरी करता है पुराने सामान किसी दूसरे के पास जाने में, तो 50 साल पहले बोलूंगा तो बोलेंगे अंधविश्वासी है। पर आज हम सभी लोग साइकी एनर्जी, साइकी इमिनेशन के बारे में जानते हैं, और वो हमारा साइकी इमिनेशन जो होता है वो हमारे हर ऑब्जेक्ट्स में हो जाता है। इस पेन में मेरी वाइब्रेशन रहेगी, है ना, मैं कितना इरिटेट हो रही हूँ, कितने प्यार से हूँ, वो सब कुछ ये पेंसिल में मिलेगा। तो टॉर्कम ने कहा कि एक दिन मेरे पिताजी ने एक मेरे अंकल ने एक सोफा खरीद के लाए थे, खरीद के नहीं, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो उसकी सोफा लेके आए थे और हम लोग ने घर में रखे थे। दो तीन दिन के बाद अंकल आए तो मम्मी ने पूछा कि ये सोफा कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति का नाम, तो मम्मी ने अंकल के जाने के तुरंत बाद, टॉर्कम कहते हैं कि पांच मंजिल या दो मंजिल ऊपर मकान था उनका, वहां से सोफा फेंक दिया ताकि पूरा सोफा टूट जाए, फिर दूसरे दिन उसके पापा ने जला दिया। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि क्यों ऐसा किया टॉर्कम ने, तो उसकी मम्मी ने कहा कि जिस व्यक्ति का ये सोफा था वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करता था, वो गैम्बलिंग करता था, ड्रिंक करता था और अब्यूज करता था अपनी फैमिली को, तो जो ऐसा व्यक्ति है और सोफा को यूज किया है, तो वो सोफा जब मैं लेके आऊंगी तो उसका इरिटेशन मेरे घर की एनर्जी और मेरे घर के लोगों को भी दूषित करेगा, तो वो फेंक देती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, जहां पे ऐसे इरिटेटेड पर्सन लोग रहते हैं उनका आसपास के लोग, आसपास की जगह भी वैसी प्रभावित होती है। शिक्षाएं ये कहती हैं कि जब हम कोई स्पिरिचुअल सर्विस कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को कोई चीज समझा रही हूँ, सेवा में हूँ, तो टीचर्स कहते हैं कि अगर आपको टीचिंग भी करना हो तो बिना इरिटेशन के होना चाहिए। डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा में बहुत अच्छा एज एन लजरेव ने भी कहा था कि जब आप बहुत लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, एक सभा को संबोधित करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर प्यार और कंपैशन हो। अगर आपके अंदर प्यार और कंपैशन नहीं है, तो जब आप इतने लोगों की आईज के साथ आप कॉन्टेक्ट करते हैं, आपकी कई लोग अभी देख रहे हैं मुझे, कई लोग बाद में देखेंगे, तो वो सबकी जो क्या कैसे कहेंगे, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे चली जाती है और आपके साथ बुरा हो सकता है। तो लजरे भी कहते थे और यहाँ पे टॉर्कम भी कह रहे हैं कि टीचिंग्स अगर करनी है तो फुल आपको प्यार से और बिना इरिटेशन के करना चाहिए। हमारे जो थॉट्स हैं वो भी इम्पेरल को कैरी करते हैं, इसीलिए कुछ मास्टर्स लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो पर्दे के सामने नहीं आते, क्योंकि अगर पर्दे के सामने आएंगे तो हजारों लोग देखेंगे, हजारों लोगों के जो थॉट्स आएंगे, उनकी जो नेगेटिविटी, उनकी जो एम्पेरल आएगा, उसका सामना उनको करना पड़ेगा। तो कई मास्टर पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं कि ये सब हम जोखिम नहीं उठाना चाहते। टॉर्कम कहते हैं आप भी अपने प्रति अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगर आप किसी से इरिटेट हो रहे हैं तो आप अनजाने में अपने थॉट्स के द्वारा अपना एम्पेरल उस आदमी तक के भेज रहे हैं, तो हमको बहुत अवेयर रहना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है और हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता और हमारे को भी प्यूरिफाइड करता, ताकि हम दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचें। उन्होंने कहा कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो जो उसके अंदर जर्म्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कंटेजियस हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी किसी और तक के फैलते हैं। तो बेहतर है कि यदि कोई बीमार है और इरिटेटेड है तो उससे थोड़ा दूर रहें, है ना, और जो लोग इरिटेशन से भरे हैं उनसे ईट और कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, और सोने के पहले यदि आपके में कभी किसी कारणवश से इरिटेशन आ भी गया, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में तो होता रहेगा कुछ ना कुछ,
तो निकार सोते समय आप हमेशा अपना गुस्सा विलीन कर दीजिए, जैसे जीसस ने कहा था, लेट नॉट द सन सेट अपॉन योर एंगर, सूर्यास्त के पहले अपने गुस्से को छोड़ दो। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो गुस्सा होता है वो फिजिकल बॉडी से एथरिक, फिर इमोशनल, फिर मेंटल बॉडी में जाता है और वो हमारी ऑरा को खाता है। पहले भी मैंने बता चुका है, इसीलिए फॉरगिवनेस छोड़ दो। फिर टर्कम कहते हैं कि गुस्से में खाना पकाना, खाना, ये सब कुछ आपके लिए पॉइजन का काम करता है। शांति में, एकदम मौन में रह के आप खाना खाएं, और खाना खाने के पहले भी एक अच्छा फील करें जॉय को, तब उसके बाद खाना खाएं। ऐसा कहाँ होता, अपन जल्दी से खाना परोस के बैठ जाते हैं, ये सब बोलते हैं, इतना अपन कहाँ पेशेंस है कि हम करें कि पहले खाना खाने के पहले जॉय फील करें, पर कम से कम प्रेयर तो करना चाहिए। क्रिश्चियन में ये बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने कहा है कि खाते समय अगर कोई बैड न्यूज आ जाए या उसी डाइनिंग टेबल पे ही बैठे बैठे लड़ाई झगड़े हो जाए तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड था, वो हमेशा ऐसा वाला जॉब करता था, पता नहीं कुछ रेलवे वगैरह में था, कि वो मोस्टली रात के टाइम में खाना खाने के लिए आता था। तो जैसे वो आता और हाथ धो के प्रेयर करके बैठता खाना खाने के लिए, तो उसकी वाइफ पूरे समय अपने बच्चों का, अड़ोसियों पड़ोसियों का, सबका दुखड़ा लेके बैठ जाती थी, पूरे समय नेगेटिव टॉक्स करती थी। तो उसके हस्बैंड हूं करके खाते जाते थे। बोले मैं, फिर उसके बाद उन्होंने आना भी छोड़ दिया, बोले मैं घर जाके पसंद नहीं करता, मैं खाना खाता हूँ पूरे समय तो मेरी बीवी मुझे नेगेटिव बातें बोलते रहती है। और बोले वो 45 एज में ही उसकी डेथ हो गई, टॉर्कम के फ्रेंड की, है ना। तो वो कहते हैं कि ईटिंग के टाइम में कोई भी बैड न्यूज नहीं सुनाना और कोई भी झड़पड़ा लड़ाई झगड़ा मत करना, खाने के बाद कर लेना। थॉट्स हमारे लेके जाते हैं, और सेंसिटिव लोगों को ऐसे थॉट्स लोग बहुत जल्दी अटैक करते हैं। अगर सेंसिटिव हैं तो कोई दूसरा फ्रेंड भी सोच रहा है अपने लिए बुरा तो हम भी इरिटेटेड हो जाएंगे, क्योंकि इम्पेरल अगर मान लो मेरे में आएगा तो मैं भी तो इरिटेट ही होंगी ना, समझ रहे हो। और उन्होंने कहा है कि यदि कोई मृत्यु के समय भी इरिटेटेड रहता है, मतलब जब सांस छूने वाली रहे, तब उसके लिए तो जो यातनापूर्ण उसका ट्रैवल होता है, उसकी जर्नी होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत से मीडियम, ऑटोमेटिक राइटर्स, लोअर साइकिक्स, ऐसे डार्क फोर्सेस के एंटिटी हैं जो इरिटेशन के द्वारा उनको अट्रैक्ट करते हैं। इन सब के बचाव के लिए आपका दिल का खुला होना और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो टीचर हैं, या हमारा जो हायर सेल्फ है, वो हमारे डाउट, इरिटेशन और सेल्फ पिटी से ओवरकम करने में मदद करता है। देखिए, हमको डाउट नहीं करना है। डाउट क्या है, हमारा माइंड का वो है ना कि होगा कि नहीं होगा, है ना। दूसरा जो हमारा इरिटेशन है वो तो आप समझ ही गए। सेल्फ पिटी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हाय मैं बेचारा, क्योंकि उन लोग अपनी ट्रू सेल्फ से ही जानते हैं कि वो एक आत्मा है, अनलिमिटेड उनकी पोटेंशियल है। तो हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, सभी मुझे यूज कर रहे, ऐसे करके नहीं अपने पर सेल्फ पिटी करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि या कोई उनको, कई लोगों को लगता है कि कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं अकेला रह गया हूं, तो ये जो सेल्फ पिटी वाला है ना, ये बहुत इम्पेरल को बढ़ाने के लिए योगदान देता है। तो इन सबसे दूर होना, और इसके लिए आपके मास्टर, आपके टीचर आपको सहायता करेंगे। देखिए, मैंने ना ऐसे कुछ कुछ नोट्स के मेन मेन चीजें निकाली हूं, तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा मिलाने में वो लगे। तो अपने ऊपर कभी भी सेल्फ पिटी नहीं करना है, नहीं तो आपका इरिटेशन बढ़ता जाएगा, अपने आप को विक्टिम समझते रहेंगे। हम तीन प्रकार से प्रतिरोध करते हैं। एक ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस होता है, अचानक लाइट आ जाएगी तो आप आंख बंद कर लेंगे, या बहुत तेज आवाज आएगी तो आप कान बंद कर लेंगे। हम थोड़े चेंजेस करके अपने उसको करते हैं, वो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस है, हाँ, ऑटोमेटिक तरीके से प्रतिरोध होता है। एक होता है कॉन्शियस नेगेटिव रेजिस्टेंस। हम अगर किसी ने हमारे को कुछ बोल दिया तो हम उसको कॉन्शियसली उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने कितना किया, उसने बिल्कुल नहीं किया, ऐसा करके हम करते हैं ना, वो नेगेटिव है, कॉन्शियसली करते हैं। तीसरा है कॉन्शियस
पॉजिटिव रेजिस्टेंस, एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सिली और बेवकूफी पूर्ण तरीके से आपको इरिटेट करता है हमेशा, या तो आप उसके लिए नेगेटिव सोचेंगे या आप ये सोचेंगे पॉजिटिवली कि मैं उस इंसान के साथ कैसे बिहेव करूं कि मेरे अंदर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन पैदा हो, है ना, क्योंकि वो सामने वाला मुझे मौका दे रहा है कि मैं अंदर पेशेंस और कंपैशन को डेवलप करूं, तो कैसे मैं अपने बिहेवियर को चेंज करूं, कितना उसको प्यार से मैं पेश आऊं, तो वो कहे पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। ऐसा अगर आपने सीख लिया हर सिचुएशन में, क्योंकि रोजमर्रा आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है या ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको पॉजिटिव रेजिस्टेंस रखना आवश्यक हो जाता है, और इसको दिखावे के लिए नहीं, बिल्कुल अपने में वर्च्यूज डेवलप करने के लिए करिए, तो सामने वाला सुधरे ना सुधरे तुम्हारा सोल का इवोल्यूशन होते रहेगा। और टॉरकॉम ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कई लोग पुराने उनके दुख होते हैं, उनकी सफरिंग होती है, पुराने घाव होते हैं उनके, या उनके जो उठना बैठना होता है उनका हैंगअप्स जो होता है वो इस तरीके से रहता है कि वो आपके पॉजिटिव फ्लो जो होता है आपके द्वारा प्यार को या टेंडरनेस, हम बहुत प्यार और कोमलता से पेश आते हैं ना किसी के साथ, वो बिल्कुल भी उसको नेगेटिवली ही जवाब देंगे। आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सेंटेंस बनाती हूँ। देखिए, जो लोग दुखी, पीड़ित या वुंडेड हैं या उनकी संगति अच्छी नहीं है, हैंगअप्स अच्छे नहीं है, तो आपकी जो प्यार है और प्यार और कोमलता है उस इजहार भी कर देंगे तो वो इरिटेट ही होते रहेंगे, क्योंकि आप उनको उनकी याद दिला देते हैं, आपका फेस यहाँ पे लिखा नोज ऑफ योर नोज उनको रिमाइंड कराता है कि अतीत में किसी ने उसको कष्ट दिया था, या तो फिर वो अपने इरिटेशन से इतने लोडेड होते हैं कि आप पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं प्यार की, तो वो आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने नेगेटिव को बढ़ाएगा। आप समझ गए, पहले से नेगेटिव था, आपने उसको प्यार दिया तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पर वो और ज्यादा ज्वलनशील टाइप का और ज्यादा विनाशकारी और मोर एक्टिव हो जाएगा, गलत यूज कर लेगा आपके प्यार और उसको। क्योंकि उनके अधिकांश सेंटर्स ब्लॉक्ड होते हैं, उनकी जो आत्मा है वो इम्प्रिजेंट है, वो छुपी हुई है, वो इतने सफर कर चुके हैं अपनी लाइफ में कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत वो इम्पोर्टेंट चीज लिखा है पर मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को आप हिप्नोटिज्म से नहीं ठीक कर सकते, उनको आप हिप्नोटिक कमांड के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक कमांड देते ना, जैसे बच्चे को माँ देती है, बेटा तुमको भगवान की पूजा करनी है नहीं तो भगवान तुम्हारे लिए गलत फ्यूचर बनाएगा, तुमको करनी है, वो एक सम्मोहन करा देते हैं बच्चे को, तो भगवान ही पूजा पाठ करने लग जाता है कि अरे बापे पूजा पाठ करना जरूरी है। वैसे वाले कमांड से ही उनको ठीक कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, आप इतना इरिटेशन के बारे में बोल रहे हैं, टॉरकॉम बोलते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि हम सब जो हम कई लोग कई चीजों को तो नियंत्रित ही नहीं कर सकते, टीवी खोलो तो क्राइम, न्यूज पेपर खोलो तो क्राइम और नेगेटिव चीजें, और हर जगह रेडियो में, टेलीविजन में, पूरे देश में, शहर में, सब जगह गलत चीजें हो रही हैं, तो हम इन सबको कैसे हैंडल करें, कैसे इरिटेट नहीं हो इन सब चीजों को देखकर। तो टॉरकॉम कहते हैं तीन चीजें आप अपने दिमाग में और अपने जीवन में उतार डालिए, डिटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। जो भी चीजें आपके आसपास की चीजें हो रही है उसे डिटैच होते जाइए, ऑब्जर्व करिए, एक साक्षी भाव से देखिए कि ठीक है यहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरी फैमिली में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चुपचाप से आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले मोड में चले जाइए और एनालिसिस करिए कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है, आप सिर्फ इतना ही पता लगाइए और उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, तो आपका इरिटेशन नहीं होगा। क्योंकि इरिटेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप गलत
एक्शन लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे और इरिटेशन प्राइम कॉज है आपके डिप्रेशन का। क्योंकि इरिटेशन के द्वारा, जो मैंने कहा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में घूमती है, उसमें कट्स हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी सोल हमारी ऑरा से हट जाती है, उसके कारण डिप्रेशन जाता है। तो अभी तक के इम्पैरल का जो मैंने आप लोगों को बताया, उसके चार कारण मैंने आप लोगों को बताए कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपके नेटवर्क में फ्लो नहीं हो, सेंटर्स और ग्लैंड्स में जब ठीक से काम नहीं करे, मेल फंक्शनिंग करे, ओवर ग्रोथ हो जाए सेल की, या जब सेल्स एक दूसरे को खाने लग जाए, स्टार्वेशन ऑफ सेल्स और डीजनरेशन, कई ऑर्गन्स खत्म होते जाते हैं। तो कई बीमारियां होती हैं, ये जो छोटी छोटी हम इरिटेशन रोज के पालते रहते हैं, उसके कारण हमको मालूम भी नहीं चलता कि आधा एक घंटा हम इरिटेट होते हैं और कितने हमारे बॉडी में इम्पैरल फैल गया और हम तुरंत जाके खाना बनाने लग जाते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। उस समय हमें बिल्कुल भी कुकिंग और सेक्सुअल एक्टिविटी और किसी लव्ड वन से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वो इम्पैरल को उनको ट्रांसमिट कर देंगे। तो उन्होंने कहा बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ट्यूमर, इंसोमनिया, नींद नहीं आने की बीमारी, डिप्रेशन, सुसाइडल ड्राइव्स, पागलपन, नेगेटिविटी और क्राइम करने की इच्छा, ये सब चीजें इसी के इम्पैरल के कारण, इसके बढ़ने के कारण, क्योंकि ये जमा होते जाता है ये पॉइजन। उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी फुल ऑफ इम्पैरल है, तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हम जल्दी जल्दी समझेंगे। तो इन्होंने दो तीन ऑयल्स वगैरह के बारे में बताया है, मैं फटाफट बताती हूँ। मैं अभी तक मुझे रोज परफ्यूम और रोज ऑयल पसंद नहीं था, पर आज के बाद पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर प्रिवेंट करना है तो रोजेस सबसे अच्छे उपाय हैं। गुलाब के फूल, राजाओं के महलों के चारों तरफ रोज गार्डन्स लगाए जाते थे। आप रोज ऑयल यूज कर सकते हो, और रोज ऑयल को तो हम रिचुअल्स में गुलाब जल को डाला जाता है, हम यूज करते हैं। नहाने के समय रोज ऑयल को यूज कर सकते हो, और परफ्यूम के रूप में रोज ऑयल को यूज कर सकते हो। इससे आपका इम्पैरल कम होगा, इरिटेशन कम होगा, वो आपके माइंड को काम करता है और इरिटेशन को कम करता है। एक फ्रीसिया फूल लिखा है, मैं कल सर्च कर रही थी, क्योंकि हाँ रोज एसेंस अगरबत्ती, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैंने थोड़े दिन पहले रोज वाला था परफ्यूम प्रिया जी परम को दे दिया, कल मंगाती हूँ उससे। मुझे रोज पसंद नहीं है, मतलब पता नहीं, सैंडल या लेवेंडर ये सब अच्छे लगते हैं, रोजेस नहीं पसंद है, तो मैंने उसको दे दिया था, पर आज मंगाऊंगी। फ्रीसिया के फूल पता नहीं यहाँ पे नहीं होते, मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने कल गूगल में सर्च करके देखा ताकि मैं भी लेके आ जाऊँ अपने घर में लगा दूँ। जिस दिन इरिटेशन होगा फ्रीसिया के फूल पूरे घर में लगा दो, खरीद के आ जाओ, हस्बैंड को फोन करके बोलो आज मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रही हूँ, फ्रीसिया के फूल तो ले आओ जी। पर यहाँ नहीं है वो फूल, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और फाइट कराते हैं, पॉइजन ऑफ इम्पैरल को कम करते हैं। अपने घर के आसपास लगाइए, रूम्स में रखाइए और सोइए उसकी फ्रेग्रेंस में, तो आपका इम्पैरल गायब हो जाएगा, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये जो जो ऑयल लिखा है ना, एक रोज ऑयल ही हमारे काम के, बाकी तो कोई काम ही के नहीं है। वार्म वुड ऑयल नाम भी मैंने पहले बार सुना है, उसको हिंदी में मैंने देखा और पता लगाया, नागदौन, कोई जानता है नागदौन? यस यस यस, वेरी गुड रुपिंदर जी। नागदौन का ऑयल वो इम्पैरल की हैवी लेयर्स को भी डिसॉल्व कर देता है, स्पेशली अगर आपके ग्लैंड्स में, क्योंकि ग्लैंड्स और ऑर्गन्स डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो ये वर्मवुड ऑयल सबसे ज्यादा फायदा करता है। और मास्टर मौर्य इसको हाईली रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए। हमारे इधर पे देखते हैं नागदौन का तेल रहना चाहिए ना, ये सारी ऑयल जब इरिटेट हुए तुरंत थोड़े से लगा लिए वो वाले ऑयल। बार्ली जौ जिसको बोलते हैं, ये गुड फॉर लंग्स है, क्योंकि इरिटेशन के कारण जो आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं उसके लिए जौ बहुत अच्छा होता है। मस्क भी लिखा है, मस्क अर्थात कस्तूरी, और हम कहते हैं अगर जेन्युइनली आपको मिलती है कस्तूरी, हिरन में से निकलती है ना कस्तूरी,
वो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इसके छोटी छोटी मात्रा में ग्रैन्यूल्स को इंटरनली अंदर लेना पड़ता है। अरे चंदन मुझे भी बहुत पसंद है इस मस्क, मतलब समझ के छोटे ग्रैन्यूल्स खाते होंगे, हमारे इधर तो मिलता भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। उन्होंने कहा है कि फिर है जॉय, अभी मैंने बताया मस्क ऑयल और ये सब आप समझ गए ठीक है। हाँ अब जॉय, जॉय बहुत बड़ा प्यूरिफायर है और जॉय के ऊपर मैं पूरे 2 सेशन लेने वाली हूँ। जॉय एंड हीलिंग बेहतरीन बुक है, मैंने उसको ट्राई किया है बहुत बार और मुझे लगता बहुत इफेक्टिव, इसलिए मैं 2 सेशन में लूंगी नेक्स्ट वीक या फिर आफ्टर दिवाली। मेरे नोट्स बने हुए हैं, बस शेड्यूल करने की मुझे देरी है उसकी। तो आप जब बहुत खुश रहते हैं तो आपकी इम्पैरल कम होते जाती है और उनको भी अपने जॉय को भेजिए जो आपको इरिटेट करते हैं। वो बुक है जॉय एंड हीलिंग बाय टॉरकॉम, कि अगर हमको हीलिंग करनी है तो हमको जॉय बहुत जरूरी है और जॉय और हैप्पीनेस में बहुत अच्छा फर्क मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, मतलब टॉरकॉम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा देखिए, जॉय भी हो गया, लव टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करें हम। लव जब जॉय के साथ लव मिक्स होता है तो मिरेकल क्रिएट हो जाता है। अगर तुम किसी को प्यार नहीं करते तो वो कोई सामने वाला अच्छा भी करे, जब आप किसी को प्यार नहीं करोगे तो वो अच्छा भी करेगा तो तुम इरिटेट होते जाते हो या उसका प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करता है, और यदि आप उसको सच्चा प्यार करती हो तो आप इरिटेट नहीं होंगे। लव हमारी शील्ड होती है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। फिर एक और है, जैसे जॉय है वैसे लव है, वैसा ही एक एप्रिसिएशन प्रशंसा। मैं सोचती हूँ इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको प्रशंसा सुननी अच्छी नहीं लगती होगी। देखो फ्रेंड्स, प्रशंसा और चाकलूस बटरिंग करने में फर्क होता है, इतना फर्क तो हम सभी जानते हैं। हम एप्रिसिएशन सबको पसंद है, तो कई लोग को जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो वो है, जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको लगता है कि उनको एप्रिशिएट किया जाए। तो टॉरकॉन कहते हैं अपने प्यार को बढ़ाओ, प्रशंसा करो ताकि वो अपनी डिग्निटी और अपनी वैल्यू को फील कर सके। प्रशंसा भगवत्ता को देखने की योग्यता है, कितनी सुंदर सेंटेंस है। जब हम किसी की प्रशंसा करते तो हम उसकी डिविनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी डिविनिटी और हाई वैल्यूज पर जोर दिया जाता है, इम्पैरल वहां पर सफल नहीं होता। तो कई लोग इसलिए भी इरिटेट नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। फिर और बताए हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ डिविनिटी इन अदर्स, दूसरों में भी भगवत्ता देखने की कोशिश करो, इससे आपके अंदर इरिटेशन कम होगा और अच्छा बुरा सब पे आप उस भगवान के अंश को देखो। सेल्फ सेक्रीफाइस, उन्होंने कहा कि निष्काम सेवा तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उसके साथ काउंटर बैलेंस भी करना सीखिए। जैसे मान लीजिए मेरी चप्पल चोरी हो गई तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए कि कौन मेरी चप्पल चोरी करके ले गया, मुझे ये सोचना चाहिए कि अरे शायद किसी को जरूरत होगी मेरे चप्पल की और मैं मीडियम बनी उसको मेरी चप्पल देने के लिए, तो कोई बात नहीं हो गया। तो हम काउंटर बैलेंस भी करना सीखें। हाँ कविता जी, मैं कर चुकी हूँ ये वाली चप्पल, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया। उन्होंने टॉरकॉम में तो रिंग का बताया था कि चलो ठीक है चली गई ना, कोई बात नहीं। और वो भी कहाँ से चोरी हुई थी चप्पल, पिरामिड से। रात के 3 बजे मैं नंगे पैर अपने करताल में अपने रूम तक के पहुंची थी, रात के 3 बजे। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अपने आप को भूल जाना। जब अपने फ्रेंड्स और अपने दुश्मनों, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी जैसे आपके दुश्मन हैं, अपनी स्वार्थ अपना सेल्फ इंटरेस्ट खत्म करके उनको आप कोई भी जब आर्ग्यूमेंट हो रही है फ्रेंड के साथ या एनिमीज के साथ, साइलेंस रखिए, आप भूल जाइए कि आपको कोई नहीं। हाँ कविता जी, नागदौन का पौधा मुझे जरूर दिखाइए, अब मुझे बोलने दो ना, तब तो आप लोग बोलने ही नहीं देते, बताओ मैं क्या करूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ।
2 मिनट और, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आप जब भी, आपके फ्रेंड्स जैसे भी हैं वो हैं, आप साइलेंस हो जाए, बहस कर रहे हैं उनको जीत लेने दीजिए, आप जब अपने आप को भूल जाएंगे कि अरे मैं हुई नहीं है, सामने वाला बोल रहा है, ठीक है, तो आपकी इरिटेशन इम्पेरल नहीं बढ़ेगा। हार्मलेसनेस, हार्मलेसनेस, ठीक है, बिना कष्ट के जीना। आप लोगों से ऐसे रिलेट करिए कि आपके वर्ड्स, आपके इमोशन, आपके थॉट्स, आपके प्लान्स उनकी प्रगति में बाधा न पहुंचाए। अगर आप इरिटेट होते हो या इरिटेट करते हो तो दोनों ही हर्ट होते हैं। हार्मलेसनेस वो एबिलिटी है जो दूसरों से न प्रभावित होते हो न दूसरों को प्रभावित होने देते हो, मतलब किसी में बाधा नहीं पहुंचाना। क्योंकि देखिए, अगर कोई मुझे इरिटेट कर देता है तो न मैं स्टडी कर पाती हूँ, न मैं टीवी को एंजॉय कर पाती हूँ, ना मेडिटेशन कर पाती हूँ, क्योंकि इरिटेशन इतना हमारे में इम्पैक्ट डालता है कि समझ गए। तो हमको ये हार्मलेसनेस की एबिलिटी को डेवलप करना है कि मेरे से किसी को भी हर्ट नहीं हो, ऐसा। साइकी एनर्जी, आप जितनी अपनी साइकी एनर्जी बनाते जाएंगे, आपके नर्व्स की वो प्राणा एनर्जी है, आपके इम्पेरल उसमें मेल्ट होते जाएंगे, आप प्यूरिफाई होते जाएंगे। फिर एक और बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, कन्वर्सेशन अबाउट द टीचिंग, जब आप अच्छे बुद्ध पुरुषों की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं बात करूंगा अभी, है ना, आपसे कितनी अच्छी चौरपम की बातें कर रही हूँ, तो ये पूरे रूम की वाइब्रेशन बढ़ती है। तो वो कहते हैं कि आपके रूम की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी और आप साइकी एनर्जी को ड्रॉ करते हो, खींचते हो, और कई जो महान आत्माएं या महान मास्टर्स हैं, है ना, समझ गए होंगे, ग्रेट वंस, उनकी भी एनर्जी का चैनल करते हो। तो ऐसे वातावरण में इरिटेशन और इम्पेरल नहीं रह सकते, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे गर्म जगह पर बर्फ नहीं रह सकती। इसीलिए जिस जगह पे आप शिक्षाओं के बारे में बात करते हो वो पूरा वातावरण और आप प्यूरिफाइड हो जाते हो। फिर उन्होंने कहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ऑरा का सघनीकरण करते रहिए, इंटेंसिफिकेशन करते रहिए। आपके जो आत्मा के गुण हैं, कंपैशन है, लव है, ग्रैटिट्यूड है, मदद करना है, जो भी है आपके, उनको आप बढ़ाइए, एक्सप्रेस करिए अपनी व्यक्तित्व से, तो आपका इम्पेरल खत्म होते जाएगा। मैं जहां जहां इम्पेरल बोल रही हूँ, इरिटेशन होकर समझते जाना, है ना। और आप हायरार्की के लिए श्रम करिए, जैसे जैसे आप आत्मा की तरफ बढ़ते हैं आप हायरार्की के और करीब जाते जाते हैं, और वो आपको जॉय, ब्लिस और पीस में रहने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हम जो रहते हैं, जितने हम प्यूरिफाइड होते जाएंगे, हायरार्की से जुड़ते जाएंगे, हम उनके शील्ड में ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी एनर्जी में कोई भी आपके नर्वस सिस्टम में इरिटेशन को नहीं आने देता। आपका जो दिल है वो रेडिएट करे कंपैशन को, लाइट ऑफ लाइफ, तो भी आपके इम्पेरल और वो सब पिघल जाएंगे। सोने के पहले हमेशा प्रार्थना करिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से सोने के पहले, तो कहते हैं कि जो हमारे लोअर फ्रिक्वेंसी और दूसरे डेंजर्स है, उन सब से हमारे मास्टर्स हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी की भी और हमारी भी। तो सोने के पहले हमेशा प्रार्थना की प्रैक्टिस करिए, और जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तभी भी आप एक प्रेयर से शुरू करें। हिंदू में पहले हम ओम का जाप करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। मुस्लिम में भी कहा जाता है कि देयर इज नो वन एल्स एक्सेप्ट गॉड, ईश्वर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। या क्रिश्चियन लोग कहते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, कोई भी काम शुरू करने के पहले इन द नेम ऑफ गॉड। तो कहते हैं कि इस चीज पे बहुत बार टॉर्कम ने बहुत बुक में बोला है, मैं ये वाली चीजों को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, कि खाना भी बनाने जाओ तो कुक जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े चर्च में रहते हैं, वो भी पहले अपनी पूरी ऑरा को क्लीन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और प्रेयर करके, इन द नेम ऑफ गॉड करके फिर जाते हैं कुकिंग के लिए, तो वो खाना बहुत अच्छा होता है। हम इतनी जल्दी जल्दी में नहीं कर पाते ना, पर करना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि देखिए इन सबके शब्द अलग अलग हैं, चाहे ओम बोलो चाहे इन द नेम ऑफ गॉड बोलो, पर एसेंस सबका सेम ही है। प्रेयर्स हमारी, जब कोई भी हम काम करने के लिए शुरू करते हैं उस समय अगर प्रेयर बोला जाए तो उस काम के बीच में कोई भी विघ्न आ गया या कंफ्यूजन हुआ या कुछ हुआ तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे, आपको फेथ रहेगा उस ईश्वर पे कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपने माइंड को इंसुलेट करिए, इंसुलेशन ऑफ माइंड, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं इसके लिए कोई गलत विचार कर रहा हूँ या यहाँ पर मेरे इरिटेशन होने की, इरिटेट होने की संभावना ज्यादा है, तो वहां से अपने माइंड को हटा लीजिए। कीप डिस्टेंस, साइलेंस, सब समझ गए होंगे। हैवी लेबर, बहुत ज्यादा श्रम करने से भी जो सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी में, वो जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और क्या सेरोटोनिन वगैरह, वो सब आपके इम्पैरल को कम करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज, वॉक, ये सब रनिंग, ये सब बहुत अच्छा कहा गया है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा है कि पीरियोडिक चेंज ऑफ रेसिडेंस, अपने घर को पीरियोडिकली आप चेंज भी कर सकते हैं। वो जगह जहां लड़ाइयां हो, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड हो या इमोशनल आप हर्ट हुए हो, उस जगह को बदल देना अकलमंदी है। हाई माउंटेन्स वगैरह तो प्राणा और साइकी एनर्जी से भरे हुए हैं, डेजर्ट, ओशन, पर हर जगह तो हम नहीं, हर एक कोई तो वहां नहीं जा सकता। तो आप उस घर को बदल दीजिए, और अगर वो भी काम नहीं है तो आप उस शहर को, स्टेट को या कंट्री को भी बदल दीजिए। अगर ये किया जाए तो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ में होने वाले फ्यूचर डेंजर से आप बच सकते हैं। पर ये भ्रम में मत रहना कि सिर्फ घर को बदल देने से आपका सब ठीक हो जाएगा। एक भेद करना आना चाहिए ना कि हाँ ये उससे बेहतर है, शांत जगह है, यहाँ के लोग, आसपास के लोग अच्छे हैं, समझ गए, वो आपको भेद करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी, नहीं मैं नहीं बोलती अभी, नहीं ठीक है रहने दीजिए, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया है। ठीक है, स्टेट, सिटी को बदलने से महसूस किया है। कंटेंटमेंट, संतुष्टि, हम संतुष्टि क्या सोचते हैं कि जो है हमारे पास उससे संतुष्ट हो जाना है, बोले नहीं, डॉक्टर कहता है कि सिर्फ आपके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होना है, ये आपकी कंटिन्यूस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से शांति है जो आपको बाहरी वातावरण से शांत बना रखती है। सिर्फ जो है वो नहीं, बाहर में ऊंचा नीचा जितना हो रहा है, एकदम पैसे कम हो गए, बहुत अपमान हो गया, तब भी आपको शांत बनाए रखता है, तो वो बोलते हैं कंटेंटमेंट। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हमारी इरिटेशन को विकर्षित करता है, इसलिए हमेशा जॉयफुल और हैप्पी रहिए। जॉय क्या फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोग को बताऊंगी वाला बुक, जॉय आत्मा की वो स्थिति है जो पर्सनालिटी से आइडेंटिफाइड नहीं होती, वो हमारे कोर, हमारे केंद्र का जॉय है, जो हमारी आत्मा का जो है ना, वो जॉय होता है। और हैप्पीनेस क्या होता है, आत्मा की वो स्थिति जो पर्सनालिटी से आइडेंटिफाइड होती है और लाइफ को इंजॉय करती है। जैसे मैं नीता के रूप में खुश रहूंगी कि अच्छा खाना खा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, शॉपिंग तो फेवरेट है, तो वो हैप्पीनेस है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाइड हूँ कि नीता के साथ है ना। अब जब हाँ जो हम खुद वो आइडेंटिफाइड होते हैं ना, लाइफ को इंजॉय करते हैं, वो है हैप्पीनेस। पर जॉय हमारी आत्मा की जो पर्सनैलिटी से नहीं, हमारे कोर से निकलती है। तो पूरे समय खुश रहिए और ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो बहुत खुश रहते हैं, ताकि आप उसके ट्रैप में, इरिटेशन के ट्रैप में मत फंसे। अच्छा खाना और अच्छा नरिशमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कमजोर बॉडी आपके जर्म्स और आपके इम्पैरल को बढ़ाती है। राइट डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ठीक है, प्रॉपर स्लीप एंड कंप्लीट रेस्ट व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तो बिल्कुल सो जाना, जब जरूरत हो आराम कर लेना। रामपा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके कहा था कि एक औरत है, बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड को, बहुत अच्छे से काम वाम करती है, दोनों एकदम लविंग बर्ड्स है ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद
थोड़े दिनों के बाद बीवी बहुत काम करने लग जाती है, इतना काम करती है कि वो आराम ही नहीं करती। अब आराम नहीं कर रही है, लगातार काम, श्रम श्रम श्रम, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो फिर निगेटिव ग्रिड बनाता है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। और वो बीवी ना फिर नैगिंग करना शुरू कर देती, छोटी छोटी बात पे नैग करेगी, फिर नैग करते करते लड़ाई झगड़े में पहुंचेगी, फिर वो एक झगड़ालू पत्नी बन जाएगी। तो रामबा ने इतना अच्छा एक एग्जाम्पल देकर दिया था कि उस औरत ने अपने लिए श्रम किया परंतु आराम नहीं किया। इसीलिए उन्होंने पूरा एक रिक्रिएशन का चैप्टर बनाया ना कि अपने लिए समय निकालो, रिक्रिएट करो, मनोरंजन करो अपना, आराम करो, ताकि आप निगेटिव ग्रिड में बनाओ। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि यदि आप नहीं सोते हो या रेस्ट नहीं करते हो तो आप नेगेटिव मोड में जाओगे, इरिटेट होंगे। एक बच्चा अगर अच्छे से नहीं सोता है तो देखिएगा वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, खाना नहीं खाएगा, छोटी छोटी बातें करेगा। मैं अपने ग्रैंडसन को बहुत देखती हूँ, इसलिए हमने उसको अच्छे से सुला के उठाते, बाबा आराम से उठो, किसी दिन मतलब के लिए उसको उठा दिया हमने नींद में से तो बस उसका डाइट एकदम कम हो जाता है। वैसे ही अगर मदर बहुत थकी हुई रहती है और ऐसे समय में जब इरिटेट हो रही है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उन्होंने कहा टॉर्कॉम ने कि दूध के द्वारा वो पॉइजन एम्पैरल का अपने बच्चे तक के पहुंचा रही है। तो जब भी आपको आराम करने की जरूरत हो तो सब काम छोड़ के आप सो जाइए, पर सिर्फ सोते ही मत रहना। इकोनॉमी ऑफ एनर्जी, अपने एनर्जी का को बचा कर रखिए, व्यर्थ में मत गवाइए। जो लोग बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत एक्सेसिवली पार्ट करते हैं वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनल एनर्जी को बहुत ड्रेन करते हैं। टॉर्कॉम कहते हैं कि कई लोगों के में ये मिथ है कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, थके हुए हैं या ऑफिस के टेंशन से आए हैं तो वो सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि वो सबसे रिलैक्स हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इस समय तो एक बड़े जाल में आप फंस गए, पहले से आप इरिटेटेड थे, फिर ऊपर से अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर दिए। तो ये समय आप अगर सेक्स में इन्वॉल्व होंगे तो आप इरिटेशन के लिए और ज्यादा प्रोन होते चले जाएंगे। पेशेंस के ऊपर पूरा 2 पेज लिखा है, मैं बिल्कुल भी इतना नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी कि पेशेंस 90% कट करता है आपके इरिटेशन को। धैर्य, ये जब हम धैर्य रखते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि आपके बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो एंटीडोट है आपके एम्पैरल का, न्यूट्रलाइज कर देता है। पेशेंस का आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम आधे से अधिक चिढ़ के ही जवाब देते हैं ना, चिढ़ के ही रिएक्ट करते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है इरिटेशन को रोकने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जितनी आपकी चेतना का विस्तार होते चला जाएगा आपके में इरिटेशन कम होते जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट देख पाओगे, अलग अलग लोगों के रुचि देख पाओगे, तो आप इरिटेट कम होंगे, आपके में एक एकता की भावना बढ़ती जाती है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, बाहरी विनम्रता नहीं होनी चाहिए ना, अंदर से भी आप विनम्र रहना चाहिए। तो जितनी आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ती जाएगी आप बहुत जल्दी लेट गो कर देंगे। सामने वाला अगर आपको ट्रिगर भी करेगा तो ठीक है, बच्चा है, जाने दो, करके छोड़ दोगे। तो ह्यूमिलिटी बाय हार्ट, सिर्फ मास्किंग नहीं। उन्होंने कहा है कि स्लीपिंग अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे आप सोइए। वो कहते हैं कि अगर मान लो मूनलाइट है, चांद है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर खुले आकाश के नीचे सोते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। किससे? रेज ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, उन सब के जो रेडिएशन होते हैं, या ग्रेट स्पिरिचुअल एंटिटीज, या ग्रेट एंटिटीज और स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनके भी रेडिएशन खुले वातावरण में घूमते, तो उस समय आप उनको अट्रैक्ट करते हैं। पहले जमाने में खुले छत में सोते थे, इसीलिए थोड़े कम इरिटेट होते थे, आजकल एसी रूम में सो रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा इरिटेशन हो रहा है। अच्छा, आप समझ में आया। डेयरिंग, उन्होंने डेयरिंग के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है कि जो अपन कहते हैं बहादुरी, निर्भयता है ना, उन्होंने कहा है कि आप अगर कंफ्यूजन रहता है आपके में तो आप अपनी साइकी एनर्जी का सही यूज नहीं कर पाते हैं।
तो जब आप डेयरिंग करते हैं, तो टॉरकॉम ने कहा है कि जब आप कोई बहादुरी का काम करते हैं, आपका कुछ काम करने का मन है, डेयर करते हैं, तो जो हायर मास्टर्स हैं वो ब्लू और रेड कलर की लाइट में आपके ऊपर साइकी एनर्जी को पॉर करते हैं। बहुत अच्छा लगा था मुझे ये पॉइंट। तो आप निडर बनिए, स्लैमिनिटी जिसको गंभीरता भी बोले, सत्यनिष्ठा बोले, उन्होंने कहा है कि जब आप आपको लगता है कि आपके अंदर कोई मार्गदर्शन कर रहा है, आपके मास्टर्स आपके साथ है, तो आप शांति से रहते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स मतलब जो आपने आध्यात्मिक उपलब्धियां हासिल की हैं वो आप रेडिएट करने लग जाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स बताए हैं, 28 मैंने लिखे थे, 28 से ज्यादा 35 वगैरह है शायद कुछ, पर उसके बाद उन्होंने बहुत ही कुछ चीजें और बताई हैं। देखिए लास्ट के कम से कम 6-7 पेज तो उन्होंने इतना डीप नॉलेज दिया कि मेरे को लगा कि आप लोग नहीं सुनना पसंद करेंगे, आप भी इरिटेट हो जाएं, तो बेटर है कि उसको मैं छोड़ दूं। कुछ एक पॉइंट ही लिखी हूँ। उन्होंने लिखा है कि हम साइकी एनर्जी को बॉडी से रेडिएट करते हैं, परंतु वो पिक्चर में नहीं आता। जैसे मैंने कहा ना कि स्लेमिनिटी के रूप में आप अपने एम्पायर को नष्ट कर सकते हो, उससे प्रिवेंट कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि हमारे अगर कोई पिक्चर्स खींचेगा तो हमारे जो हमारे इमिनेशन है या जो रेडिएशन है वो हम पिक्चर में नहीं ला सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि कुछ विद्वान और कुछ अच्छे लोग दूसरों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते, मतलब कुछ मास्टर्स हैं पर वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव में उनके जो विद्यमान इरिटेशन और इम्पैरल हैं उन करंट्स को उन तक पहुंचने में रोकते हैं, प्रदूषित करते हैं या विपरीत परिणाम उन तक वापस लाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे में इरिटेशन और इम्पैरल है ना, उसका पॉइजन है, तो जो मैं बोलूंगी उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जो मैं पहुंचा रही हूँ अपने साउंड के वॉइस के द्वारा, वो करेंट्स पॉल्यूटेड हो जाएगी, है ना, तो वो आप तक के ठीक से नहीं पहुंचेगी, या फिर पहुंचेगी भी तो आपसे मुझे ऑपोजिट रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हो, मुझे अस्वीकृत कर सकते हो, उदासीन हो सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि इसीलिए टीचर को हमेशा इरिटेशन से दूर रहना चाहिए, लव के साथ रहना चाहिए, इसीलिए लव बेस्ट। ग्रेट विजन, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी सब कुछ आपके में बढ़ता है जब आपकी इरिटेशन कम होते चले जाते हैं। ये एक स्पेशल रूल है, उन्होंने कहा टॉरकॉम ने, कि जब भी ग्रुप गैदरिंग हो या मीटिंग हो तो ऐसे मेंबर को बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाए जो इरिटेशन में है या किसी दूसरे के लिए ग्रज रखा हो, क्योंकि उसके द्वारा पूरे ग्रुप की एनर्जी को पॉल्यूशन पॉल्यूट कर देता है। वो ग्रुप कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ग्रुप कॉन्शियसनेस के ऊपर समझना चाहिए कि किस तरीके के लोग हम लोग एक साथ जुड़ के काम करें। तो उन्होंने कहा है कि एडवांस मेंबर्स को, तो जो बहुत ही उच्च है ना एडवांस मेंबर्स को, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आप अभी इरिटेटेड हैं तो बिल्कुल मत आइए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, एक कमरे में बंद कर लीजिए, और जब तक के आपका इरिटेशन कम नहीं हो तब तक के आप गेस्ट रूम से बाहर नहीं निकलिए और इस मीटिंग में मत आइए। उन्होंने कहा है कि जैसे हवा में पेपर डस्ट होता है तो सभी लोग छींकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इम्पेरल होता है जो हम हमेशा आसपास के लोगों को फैलाते रहते हैं। एक और कारण जो बताया है उन्होंने, जो मैंने अपने लिए ही लिखा है सेल्फ एग्जर्शन, जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं या कर लेते हैं, आपको मालूम है कि आपकी क्षमता है पर किसी कारण से नहीं कर पाते, तब आपको स्पिरिचुअल टेंशन हो जाता है, तब आपको लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पाई। एक स्वपराजय की जब भावना आती है तब आप इरिटेट होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि उतना ही काम, उतने ही कमिटमेंट्स करने चाहिए जो मैं अपने फिजिकल लाइफ के साथ बैलेंस करते हुए कर सकूं। नो बोलना सीखना चाहिए।
फिर उन्होंने कुछ और सब्जियों वब्जियों के बारे में बोला, मैंने थोड़ा लिख लिया है कि जब रिदमिक डांसिंग रिदमिक चैंटिंग के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा पेज लिख के रखा है, मैंने उन सबको हटा दिया। उन्होंने कहा कि जब एक साथ बैठ के आपको मंत्र की चैंटिंग करनी हो तो चलो अपन मेडिटेशन भी माने। तो बोले कि रिदमिक जब होते हैं तब कैबेज एस्पैरागस सेलरी अल्कोहल ड्रग्स एंड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो चैंटिंग आपकी अच्छे से नहीं होगी। हमारे में तो सिर्फ लहसुन लाना है। फिर आखिरी का बस 2 मिनट, उन्होंने कहा है कि कई बार जब लाइट सर्जरी होती है या जो लोग घायल होते हैं या कुछ दिनों से बिस्तर में हैं, वो खूब दिनों तक के अपने इरिटेशन को दबा दबा के पूरे उनके अंदर गुबार भर जाता है, अब बस वो फूटने वाला है वॉल्केनो, तो अब क्या किया जाए। तो टॉरकॉम कहते हैं ऐसे लोगों को ना बड़ी अच्छी म्यूजिक या डांस का आप कुछ चीज दिखाइए, या उनको स्टोरी टेलर मतलब बहुत अच्छी कोई कहानी बताने वाला बताइए, ताकि उनकी जॉय बढ़े। जैसे जॉय बढ़ते जाएगा उनका वो गुबार निकल जाएगा। इरिटेशन दीमक के समान है जो आपके जीवन को खा लेता है। बच्चे बहुत जल्दी इरिटेशन को अट्रैक्ट करते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं। इसलिए जो बच्चों की टीचर्स है वो बहुत सिलेक्टिवली आप चूज करिए। वो कहते हैं द फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ द टीचर। यदि टीचर इरिटेबल है ना, बहुत जल्दी जल्दी फुल ऑफ मतलब इरिटेशन करती है, फुल ऑफ इम्पेरल है, तो उसके स्टूडेंट्स को अपने ऑरा में से उस इरिटेशन को निकालने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि मान लो आपकी कोई टीचर, आपके बच्चे की टीचर इरिटेट है बहुत, तो आप तुरंत कंप्लेन कर दीजिए प्रिंसिपल को। आखिरी बार मतलब आखिरी बात जो कह रहे हैं डॉरकॉम कि इरिटेशन के बारे में, जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि आप इसके नुकसान को बुद्धिपूर्वक विचार करिए, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं ब्रह्मांड के रूप से भी, क्योंकि आप कहाँ तक के फैला रहे हैं उसको भी देखिए। ये स्माइल और पोलाइटनेस है ना, अपन एक स्माइल झूठी मुस्कान दे देते हैं या बहुत विनम्र बनने की कोशिश करते कि अरे बिल्कुल, इसके द्वारा छुपाया जा सकता है आपकी इरिटेशन को, है ना। आजकल मास्किंग करते हैं तो स्माइल और पोलाइटनेस से आप छुपा सकते हैं, पर वो आपके ऑरा को नष्ट करने से समाप्त नहीं करता, तो आपके ऑरा को तो समाप्त करेगा ही। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत ही छोटी बुक है, मैं जितना था आप लोगों को ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम एंगर इमोशन इन सब के ऊपर बहुत बहुत चर्चा कर चुके हैं, पर रोजमर्रा में आप एक दिन अपनी पेन लेके बैठिएगा कि पूरे दिन भर में आप कितना इरिटेट हुए। हम मेड से इरिटेट होते हैं, ड्राइवर से इरिटेट होते हैं, हस्बैंड से, पूरे समय होते रहते हैं ना, किसी ना कोई छोटी छोटी बात पे जैसे हमारे मन के अनुसार काम नहीं हो हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। और जब इरिटेट होते हैं तो कितनी देर तक के रहते हैं, कितना इम्पेरल फैलाते हैं। उस समय क्या हम खाना बना रहे हैं, या उस समय जब आप इरिटेशन के मोड में हैं और किसी के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आप इरिटेट होंगे और अपने इरिटेशन को आप छुपाएंगे भी तो सामने वाले को आप ट्रांसमिट कर देंगे। व्हाट्सएप में अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसे एक बहुत ये वाला टॉरकॉम ने नहीं कहा है, मैंने एक और जगह कहीं पढ़ा था कि आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी निगेटिविटी को तुरंत ट्रांसमिट करते हैं। मान लीजिए मैं और अंजलि बात कर रहे हैं, अंजलि मेरे मन मुताबिक बात बात नहीं कर रही है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं इरिटेट होकर कुछ उसको लिखूंगी, फिर वो तुरंत लेकर मुझे वैसा ही इरिटेशन में करेगी, जबकि वो अच्छे मूड में थी, अंजलि एकदम हैप्पी मूड में थी, पर मेरा इरिटेशन उसको उस तक के इम्पैरल को फैला दिया। तो उस समय जब आप गुस्से में रहें तब आप बिल्कुल भी किसी से न बात करें, न चैट करें, न कोई पोस्ट भेजें। मैं खुद पे भी काम करूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई परफेक्ट हूं, मैं भी बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ,
कभी कभी तो मुझे इतनी छोटी छोटी बात पे इरिटेशन आता है कि मुझे लगता है कि मैं क्यों हो रही हूं। तो मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल टेंशन जो हो जाता है, नहीं, बीवी में मुझसे इरिटेट नहीं होती हूँ, डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, है ना। आप लोग के मैसेज मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इरिटेट नहीं करते हैं। पर जैसे मान लीजिए मैंने अभी सेशन खत्म किया 2.5 घंटा, और उसके बाद उठी, उसके बाद लोग लगातार फोन करते हैं, तब तो आप बताइए, इंसान 2.5 घंटा लैपटॉप के सामने बैठा है, उसको भी चाय पीना होगा, वॉशरूम जाना होगा, कहीं आना जाना होगा, किसी बच्चे से बात करनी होगी, या रात के 12 बजे अगर मैं ऑनलाइन हुई तो रात के 12 बजे मुझे लोग चैट करना शुरू कर देते हैं, रात के 1-1.5 बजे मुझे भेजना शुरू कर देते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे जब मैं पूरा अपना बुक्स वगैरह बंद कर देती हूँ और सब, तो अपने बच्चों के फोटोज देखते रहती हूँ, अपने ग्रैंडसन के वीडियोस देखती हूँ, या कोई अच्छा कोई ग्रुप के मैं मैसेजेस वगैरह देखते रहती हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल टाइम है। उस समय जब कोई चैट करता है तो 1-2 बार मैं जवाब देके छोड़ देती हूँ, पर वो लगातार जब कंटिन्यूअसली बात करते तो थोड़ी सी इरिटेशन होती कि क्यों, ये टाइम है 12 बजे रात को बात करने का, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, नहीं होना चाहिए, तो कई बार मैं ऑफलाइन हो जाती हूँ ताकि सामने वाला समझे कि ऑफलाइन हो गया, फिर मैं कहीं और बैठ जाऊंगी, पर व्हाट्सएप पे नहीं बैठूंगी और व्हाट्सएप खोलूंगी नहीं। या कोई मेरे से बहस करता है चैटिंग के टाइम, अब जैसे भी थोड़े दिनों पहले भी कोई बात पे बहस करता, तो मैंने कहा बेटा ज्ञान भारत का ये रूल है, तो बोली मुझे नहीं मालूम रूल है, तो मैंने कहा नहीं मालूम है तो मैंने तुमको बताया नहीं ये रूल है, फिर क्यों इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा हो। तो जब कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो नहीं होना चाहिए इरिटेट। पर एक बात मैं फ्रेंड आप लोग को बोलना चाहूंगी, जैसे मैं सर्विस में हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी फैमिली नहीं है या मेरी इमोशंस नहीं है, मैं भी उतना ही हर्ट होती हूँ जितना आप होते, पर हाँ यह है कि कोई लोग 5 घंटा ग्रज को पालते होंगे, मैं 1-1.5 घंटे में ग्रज को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना, रात को सब पूरे अपने ऑरा को क्लीन करके सोती हूँ कि बाबा जिसने गुस्सा कराया वो जाने, उसका काम जाने, वो जीसस के बिल्कुल सूर्यास्त के समय बिल्कुल सब कुछ माफ करके छोड़ देना और सो जाना बढ़िया से। तो इरिटेशन के ऊपर मुझे भी काम करना है, आपको भी काम करना है, छोटे छोटे, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी रोजमर्रा की जो हमारी एक्यूमुलेशन होते रहता है एम्पेरल का, उसके कारण बीमारियां बनती हैं। अगर आज आज की डेट में मानेंगे हम पहले के कई सालों पहले के में, तो ईगो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गए हैं, पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया, टॉलरेंस तो है ही नहीं, कोई किसी को सहन ही नहीं कर रहा, क्यों सहन करे, ऐसा हो जाता है ना, क्यों सहन करे। सहन शक्ति टॉलरेंस एक वर्च्यू है हमारी आत्मा का, पर हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो उसके कारण जल्दी जल्दी इरिटेट हो रहे हैं। जितना ज्यादा इरिटेशन और गुस्सा बढ़ते जा रहा है उतना ही ज्यादा इस जगह पे बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। तो अपने ऊपर काम करें, मैं भी अपने ऊपर काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि किसी से इरिटेट नहीं हूं और किसी को इरिटेट करूं भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे वाणी के द्वारा या मेरे वर्ड्स लिखे हुए चैट के द्वारा या किसी के द्वारा भी, इमोशन के द्वारा किसी को मैं हर्ट करूं, मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। और अगर कोई पर्सन आपको बहुत इरिटेट करता है, तो जैसे टॉरकॉम ने भी कहा है कि फिर चाहे वो आपका फ्रेंड हो, एनिमी हो, साइलेंस हो जाए और डिस्टेंस बढ़ा ले, तो बेहतर है कि आप उसको मौका ही नहीं देंगे कि वो आपको ट्रिगर करे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। यस कविता, हाँ जी आंटी, मेरे को ना नागदोन का आपको प्लांट दिखाना था, बाकी लोगों ने भी नहीं देखा हाँ होगा तो वो भी देख लेंगे। हाँ दिखो, मैं हाँ अभी तो जी वो कर रही हूँ। जी आंटी, वेट, नहीं मैं अरे कर रही तो हूँ। वीडियो खोलोगे तब हाँ हाँ जी आंटी, हाँ स्पॉटलाइट मेरा हो गया आपको। है ना। ये प्लांट है, दिख रहा है आंटी? दिख रहा नहीं, है मैं आंटी? तो जो गूगल में दिखी थी वो अलग था, ये था है क्या? हाँ जी पता आंटी, इसके नहीं, भी बता कई वैरायटी होती है, जैसे इसके साइड में व्हाइट व्हाइट है और एक पूरा ग्रीन होता है, वो भी मेरे यहाँ लगा हुआ, पता दिखाओ, नहीं ऊपर कहाँ ऊपर से लगा दिखाओ, इसमें लाइट आ रही है ना, ऊपर ऊपर से दिखाओ। है। तब दिखाओ, हाँ दिख रहा है,
इसमें भी आंटी कई वैरायटीज होती हैं, ये पूरा ग्रीन होता है, वो भी है मेरे यहाँ पर, कहाँ लगा है मेरे को ढूंढना पड़ेगा अभी। मैं आपको फोटो भेज दूंगी। मैंने जो देखा था ना नागदौन, हाँ जी वो आंटी, धनिया पत्ती टाइप का था, धनिया पत्ती टाइप का था, पता धनिया नहीं वो कौन पत्ती सा था, येलो आंटी, नॉर्दर्न उसकी वैरायटी हो सकता है वो भी हो, पर है ना, आंटी मुझे नहीं वो मालूम है कौन सा है, हाँ वैरायटी अलग होगी, इसको मैंने इसको नागदौन बोलते सर्च हैं, किया। हाँ जी आंटी, एक तो और तुम्हारे में प्लांट ऐसे ही है जो था। मैंने लगी थी। हाँ जी आंटी बिल्कुल सेम सेम, मेरे यहाँ दो प्लांट लगे, एक और लगा हुआ है वो पता नहीं कहाँ चला गया, जो है ये अरे वो बिल्कुल जलता भी वैसे है ही है। क्या? नहीं, मैं चल रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ इसको। और आंटी इसका एक बहुत अच्छी चीज है कि हाँ इसमें रूट की जरूरत नहीं होती, इसका सिर्फ आप एक डंडी तोड़ लो। हाँ बेटा, ये मेरे घर में भी था, इसको सिर्फ हाँ कलम तोड़ के ऐसे लगा दो तो कलम तोड़ बहुत के, हाँ तेजी से जी बढ़ाते हैं। मुझे वो याद नहीं आ कोशिश रहा है कर कि हम रही लोग हूँ इसको मैं क्या दिखाने बोलते की। हैं। जी आंटी, और मेरे को पता नहीं कहाँ है आंटी नहीं वो, नहीं आपकी मैं फोटो भेजूंगी। हाँ, बिल्कुल भेजना। वर्मवुड ऑयल तो आपको नेट पे मिल रहा है, मैं देख रही थी कल। अमेज़न अरे भाई जरा सा इरिटेट हुए कविता, बढ़िया अपने जी बेड पर अपने आंटी पिलोज में छिड़के और बढ़िया सो गए हैं। आंटी वो पता नहीं कहाँ हाँ बेटा कहीं है, जला गया वो होगा अभी प्लांट घूमने दिख के नहीं लिए। रहा मेरे को, घूमने चलिए नहीं, वो माली अंकल ने उड़ा दिया होगा। ओके थैंक ओके, यू आंटी, आज का चलिए सेशन बहुत मस्त था, थैंक यू। इरिटेटिंग नहीं था। इरिटेटिंग नहीं था ना? चलिए अच्छी बात है, इरिटेटिंग नहीं था तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि जॉय एंड हीलिंग मैं नेक्स्ट वीक ले लो, क्योंकि इरिटेशन मेरे को इसलिए लगा कि मुझे बोलना चाहिए जॉय एंड हीलिंग के पहले, ताकि आप लोग और ध्यान से सुनो, बहुत प्यारी बुक है वो। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको आफ्टर दिवाली भी बोल सकती हूँ, आप लोग मुझे बताइए। और सेल्फ हीलिंग जो प्रदीप सर ने लिया था उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो आप लोग कब कौन सा सुनना पसंद करेंगे मुझे बता देना। मेरे सारे नोट्स तैयार हैं, बस जब आप बोलेंगे मैडम आप लोग के लिए सामने, मैं बिल्कुल वो लेके आ जाऊंगी। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं आप लोग बिजी हैं, तो आफ्टर दिवाली में सब सेशंस ले सकती हूँ। मुझे चैट देखना पड़ेगा, आप लोग लिखिए ना, मैं देख के समझ जाऊंगी। फर्स्ट प्रदीप सर का, आफ्टर दिवाली कौन सा बोल रहे हैं? अरे यार तुम ऐसे बात करते हो मेरे को समझ ही नहीं आता, इतना चैटिंग में वो हो गया है। सेल्फ फीलिंग पहले कर लेते हैं फिर जॉय बोल रहे हो। सेल्फ हीलिंग में शायद एक ही उसमें ले लूंगी, क्योंकि आप लोग सब सुन चुके हो, ठीक है ना। मैं सेल्फ हीलिंग आफ्टर दिवाली। अब देखो सब इतना मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, आई एम नॉट इरिटेटेड बट आई एम कंफ्यूज। अब एक काम करती हूँ, मुझे जैसा समझ में आएगा एज यू विश, यस यस यस। मैं तो पूरा बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा खत्म कर दूँ, ताकि दिवाली के बाद एक न्यू चैप्टर्स जो मेरा फेवरेट है आर्किटाइप ऑफ सोल्स वो बताना चाहती हूँ। पर अगर मान लो नहीं भी हुआ तो फिर दिवाली के बाद, तो अभी कल और परसों फ्रेंड हम लोग मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि तो 2 दिन मेडिटेशन करना जरूरी है। इरिटेशन को आप एब्जॉर्ब करिएगा, और मंडे को हमारी आशा ताई जी बताएंगी ज्ञानेश्वर बाबा जी के ऊपर, संत ज्ञानेश्वर के ऊपर। ट्यूसडे वेनसडे में कोई भी दिन ले लूंगी, और उसके बाद फिर हम लगातार मेडिटेशन ही करेंगे, क्योंकि दिवाली बहुत नजदीक रहेगी, सबको अपने अपने घर में काम रहेंगे। अभी भी आज तो भी इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था क्या, शायद आप लोगों को इरिटेट, क्योंकि सभी लोग इरिटेट होते रहते हैं ना। नहीं प्यारे प्यारे आप लोग मैसेज भेजते हो ना, कि ऐसे लगता है उफ ये किसने भेजा था,
श्री का हश्मिता। नहीं सही बात है, बस आप लोग बिल्कुल हश्मिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब किसी और को इरिटेशन का मौका नहीं देना चाहिए और मुझे मीटिंग बंद कर देना चाहिए। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स इसी मीटिंग आईडी में इसी पासपोर्ट के साथ मेडिटेशन के। ठीक है, बाय बाय, गुड गुड नाइट, शब बख़ैर। हाँ श्वेता जी, जब गुड नाइट बोल दी है तभी भी श्वेता जैन को बात करना है। हाँ श्वेता जी, सिर्फ मस्ती करने के लिए करेंगे। चलो ठीक।